हेलो एवरीवन आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल के बारे में बेल क्या होती है बेल हमारी होती है जो रिलीज ऑफ अ पर्सन जो जे जेल में से हम किसी पर्सन को रिलीज करते हैं उसको हम बेल बोलते हैं ठीक है बेल हमारे टोटल कितने तरह की होती है बेल हमारे चार टाइप्स के होते हैं फोर टाइप्स के हम फोर के फोर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे क्या, क्या क्या वो फोर टाइप्स है ठीक है तो अब कोई भी पर्सन अब अगर कन्विक्टेड है तो या जेल में गया है अरेस्ट हो चुका है तो उसको हम किस किस उस बिहार पे उसे बेल दिलवा सकते हैं एक तो हमारी रेगुलर बेल होती है ठीक है रेगुलर बेल में क्या होता है रेगुलर बेल में अगर कोई पर्सन जेल में है ठीक है किसी भी क्राइम के रिगार्डिंग तो उसमें रेगुलर बेल में हम कोर्ट में ना वो अपील डाल सकते हैं कि उस बेल के रिगार्डिंग के नहीं हम बेल चाहिए तो रेगुलरली उसको बेल मिल जाते जो हमारी सी आर पी सी किसमें बता रखे फोर थर्टी सेवन एंड फोर थर्टी नाइन आपके फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होना चाहिए सेकेंड हमारी जो बेल होती है वो हमारी होती है इंटरिम बेल ठीक है इंटेरिम बेल अब इंटेरिम बेल क्या होती है हमारी ये बेल वो होती है जब भी कोई पर्सन जेल में गया है ठीक है उसको शॉर्ट पीरियड के अंदर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर तो वो हमारी इंटरमल बेल होते शॉर्ट पीरियड के अंदर हम उसको निकाल रहे हैं ठीक है थोड़े टाइम के लिए हम उसको इंटरव्यू बिल दिला रहे हैं कि कोई उसको बाहर काम है थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना है कोई शादी है कोई फंक्शन है तो उसके लिए हम इंटरव्यू बिल प्रोवाइड करते हैं तीसरी हमारी आ जाती है इसके एंटीसिपेटरी सेपेटरी ठीक है एंटी सेपेटरी वेल आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा कोई पर्सन अगर उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तारी से पहले अरेस्ट होने से पहले ही उसको बेल मिल जाते हैं वो हमारी एंटी सेपेटरी बेल होती है इस बेल में क्या होता है कि पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है उससे पहले ही उसे पता चला है कि वो अरेस्ट होने वाला है तो वो अपनी बेल के लिए कोर्ट में डाल सकता है ये हमारे कौन से सेक्शन में आते हैं सीआरपीसी में फोर्थ थर्टी एट सी में ये हमारे कवरअप होते हैं देखो फोर्थ थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन ये पूरी सीक्वेंस में हमारे सी में चीज़ें लिखी हुई हैं तो फोर्थ थर्टी बात करता है एंटी सेप्टेटरी बिल क्या होती है ठीक है इसके बाद हमारी फोर्थ बिल आती है जो हमारे डिफॉल्ट बेल होते हैं अब डिफ़ॉल्ट बेल को समझना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों को ये समझ नहीं आते जो हमारे डिफ़ॉल्ट बेल होते हैं वो क्या होते हैं अगर कोई पर्सन जेल के अंदर है तो और उसके जो लाइक कोई पुलिस वाला है पुलिस वालों को टाइम मिला हुआ है जज ने टाइम दिया है कि उनको एक दिन में ठीक है वन डेज में या नाइन्टीन डेज़ में उस पर्सन के खिलाफ एक है ना वो आ, कहते हैं हम की पर्सन के खिलाफ वो आ, कि वो जो पर्सन होता है उसके खिलाफ एक चार्ज शीट वो करनी पड़ती है तो हमारे 180 दिन में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है पुलिस वालों को अगर वो इस काम करने में फेल हो जाते हैं ठीक है चार्जशीट वो 180 दिन में नहीं कर पा रहे वो फेल हो जा रहे है तो वो जो पर्सन है ना डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है डिफ़ॉल्ट बेल में वो इस पर्सन को राइट होता है बेल का कि वो अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं किए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ठीक है इसके अंदर हम जुडिशरी कस्टडी में के टाइम पे इसमें बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी बेल को हम एक और नाम से जानते हैं स्टेचुट्री बेल ठीक है स्टेचुट्री बेल तो ये हमारी चार तरह की बेल होती है और ये हमारे कौन से सेक्शन में कवरअप होती है ये हमारे सेक्शन जो सीआरपीसी का सेक्शन है 167 के क्लोज टू में ये हमारी कवरअप है डिफॉल्ट बेल तो डिफॉल्ट बेल के लिए पर्सन को अलाव हो जाता है परमिशन ग्रांट हो जाते हैं अगर उसकी जो है कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो एक दिन उसको मिले हैं तो इसी के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर किसी पर्सन का टाइम पे चार्जशीट फाइल नहीं किया पुलिस वालों ने तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता डिफॉल्ट बोल के लिए तो उस पर्सन को डिफॉल्ट बेल मिल सकती है उसको अलाउ कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे चार तरह की बेल होते हैं आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई